अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपको बताएंगे कि बूटस्ट्रैप 4 में बेसिक टेबल कैसे बनता है। तो इसके लिए हम अपना एडिटर ऑन करते हैं और पेज खोलते हैं। सबसे पहले हम इधर अपना एक कंटेनर बनाएंगे, इस डिव के अंदर हम कंटेनर बनाते हैं। जैसे आप बताए, एक क्लास बनाएंगे, इधर हम कंटेनर का नाम देंगे, उसे हम नीचे ले आते हैं। अब कंटेनर के बाद हमने एक H2 हेड देना है, सॉरी हमने क्लोज कर देना है। इधर अब हमने एक पैराग्राफ दे देना है, अपनी मर्जी से जो कुछ मर्जी से लिख लें। अब इधर हमने एक टेबल क्रिएट करना है, टेबल ओपन किया और टेबल को क्लोज किया। अब टेबल के अंदर हमने एक टी हेड क्रिएट करना है, ये टी हेड के अंदर हमने एक टी आर बनाना है। टी आर के अंदर हमने एक टी एच बनानी है। अब इसको आप कॉपी कर लें, कॉपी पेस्ट पेस्ट। अब इसके अंदर आप अपना नाम लिख लें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इधर हम लिखते हैं ईमेल। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट हो गए, ये स्पेस हम ख़त्म कर देते हैं। अब इसके अंदर हमने एक टी बॉडी को क्रिएट करना है, इधर हमने एक टी आर क्रिएट करना जैसे पहले किया था, और इस टी आर के अंदर हमने एक टी डी क्रिएट करनी है। और इस टी डी के अंदर हम अपना नाम लिख देते हैं और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। इधर आकर हम अपना नाम चेंज कर लेते हैं, लास्ट नेम, इधर हम लिख लेते हैं ईमेल। कंप्लीट
कंट्रोल एस किया और इस पूरे टी डी को हमने कॉपी कर लिया है। दोबारा लिखने की बजाय कॉपी, इधर आके हमने पेस्ट कर दिया, इधर हमने नाम चेंज कर दिया, नाम सरफराज, ईमेल वही रहेगा, और इधर हमने एक और चेंज कर दिया, सॉरी हमने लिख दिया अब हम इसे चेक करते हैं कंट्रोल एस करके कि हमारा टेबल किधर तक पहुंचा है। तो इसके लिए हम इधर आए, अपनी फाइल को ओपन किया, ओपन विद, ये देखिए ये हमारा टेबल इधर तक बन गया है। अब इसमें हमने मज़ीद टेबल क्रिएट करना है और इसके लिए हम इधर आए और ऊपर आकर टेबल के अंदर एक क्लास क्रिएट की, इधर हमने टेबल लिखा कंट्रोल एस किया, फिर हम जाकर दोबारा चेक करते हैं, ये देखें हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। सॉरी ये एम किधर से आ गया, स्टाइल लिंक कंट्रोल एस, और देखें ना आदि हम बूटस्ट्रैप में इस तरह हम एक सिंपल सा टेबल क्रिएट कर सकते हैं।